ये प्रोग्राम हम अपने सियासी रहनुमाओं से, अपने कायदीन से मायूस हो चुके हैं। पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी है। जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं शिवाज गांधी के, वो पावर कॉरिडोर में आने के लिए ना यहां की खुफिया एजेंसियों से और ना ही अमरीकी हुकूमत से अपने ताल्लुकात को बिगाड़ना चाहते हैं। और पाकिस्तानी अवाम है, हमारी बहन बेटियां हैं कि जो पिस रही हैं। और तस्वीर में ना भी जाऊं तो डॉक्टर आफिया का मामला तो इतना प्रोमिनेंट है, इतना हाईलाइटेड है, तो तैयार किया है। वो जब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे सजा दी जाए 12 साल की, तो पूरी ब्रांड वे में आंखें के साथ ये मदालिम हुए और चल रहे हैं। कैंसर की बीमारी है, दूसरी तरफ इसकी वादा को फालिश का तय हो चुका है। इनके बच्चों की कंडीशन, मरियम की और अहमद की, आप खुद अंदाजा कर सकते हैं इनकी फैमिली किस क्राइसिस में होगी, इन पर क्या गुजर रही होगी, इनका एक एक पल किस तरह गुजरता होगा। और वो जो सुलेमान है उसका अभी तक नहीं पता कि जिंदा है या मुर्दा है। तो एक ऐसी फैमिली, और वो कि जो 9 साल के बाद भी काली कोठरी में है, उसका स्कार्फ, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसका स्कार्फ दोबारा छीन लिया गया, उसका कुरान छीन लिया गया। एक नोट पैड पर वो कुछ लिखती थी, कुछ अपनी मेमोराइज करती थी कुछ चीजों को लिखकर, तो वो भी उससे छीन ली गई। एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, बंद कोठरी है, और उसमें उसको रखा हुआ है जबकि वो कैंसर में भी है और वादा और खालिश है। मैं निहाल हाशमी भाई और इंतखा वाला सूरी भाई को वेलकम करता हूं। मैंने कहा आप लोगों को आने में देर है तो स्टार्ट में ले लूं। बहुत बहुत शुक्रिया जैन भाई, आपका शुक्रिया। तो ये इत्तेजाज हम रकम करने जा रहे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के अंदर वो स्पाइन नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, इनमें इतनी जरूरत नहीं है। रेमंड को छोड़ दिया, 3 कत्ल करके चला गया, 2 कत्ल डायरेक्ट किए, 1 गाड़ी से चला गया, उसके नतीजे में शुमारी ने खुदकुशी की, उसके पेट में पलने वाला बच्चा वो भी गया, 5 कत्ल करके डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वो चला जाता है। VIP प्रोटोकॉल के साथ मिनरल वाटर मिलता है और फुल टाइम एक्सेस है उसको कॉन्सुलेट की और अमेरिकी रहनुमाओं की। ओबामा से लेकर चपरासी तक सब ऑन फुट है और ये हमारी सिविल मिलिट्री बेहतर लीडरशिप जब से बस नहीं होती। और हमारे ये जो सारे सियासतदान हैं माधव के साथ, किसी के दिल का नागवार भी गुजरे तो आई एम सॉरी, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। कई मौके आए थे, आशा को लाया जा सकता था। अभी नेटो सप्लाई बंद है, मुजाकरात हो रहे हैं, डॉलर्स की बार्गेन हो रही है, अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है, अपने खिलाफ बनने वाले मुकदमात को खत्म किया जा रहा है, अपनी एक्सटेंशन के लिए जंग की जा रही है कि हमें 1 साल और मिल जाए, 2 साल और मिल जाए, लेकिन आशा पर सब खामोश है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ जो मार्च है ये साबित करेगा कि हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। ये इश्यू खत्म नहीं होगा, ये इश्यू जिंदा रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में। आई स्वेयर, मैंने पूरे पाकिस्तान में विजिट किए, कौन सा सूबा छोड़ा है, कौन सा डिवीजन छोड़ा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट छोड़ी है, कौन सी कॉलोनी छोड़ी है, कौन सा मसल छोड़ा है, जहां भी गए आफिया के नाम पर हाथों हाथ लिए गए। लेकिन हमारी आवाम कुछ और सोचती है, हमारे हुक्मरान कुछ और सोचते हैं। तो इन हुक्मरानों को जगाने के लिए ये कॉन्सुलेट की जानिब हम मार्च करेंगे, अमेरिकन कॉन्सुलेट का इंशाल्लाह घेराव करेंगे, और अगर घेराव करने पर भी मामला दुरुस्त ना हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें कॉल देना पड़े कि ऑक्यूपाई द अमेरिकन कॉन्सुलेट। इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा। इसके बाद मैं जैन अंसारी भाई को दावत दूंगा क्योंकि सबसे पहले पहुंचे हैं, वो आए। और जैन अंसारी भाई का तालुक पाकिस्तान में तालुक की खैर जरूरत नहीं है, तो मीडिया के सारे लोग बैठे हैं, आरटी के साबिक सदर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका और निहार भाई का तालुक है। प्लीज